रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में 69,000 शिक्षक भर्ती में बचे हुए 48 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षकों को दिए गए नियुक्ति पत्र के बाद रायबरेली में भी बचत भवन में 48 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से यह नियुक्ति पत्र आज दिया गया है और बचत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बकायदा एलईडी के माध्यम से मुख्यमंत्री का संबोधन भी लोगों को सुनवाया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी की जुबानी, आखिर उन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा। सर अपना नाम और परिचय बता दीजिए। सर क्या कार्यक्रम है? सर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज कार्यक्रम का प्रसारण किया जाना है और जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है 12 बजे से 1 बजे तक जो लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा और विभिन्न जनपदों में बाकी जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित किया जाए। सर रायबरेली में कुल कितने लोग हैं? रायबरेली जनपद में 48 सफल अभ्यर्थी हैं, 14 अभ्यर्थी और 34 सफल।